स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल टीकेकर रोड धंतोली नागपुर श्री बालाजी गारमेंट्स मानीवाड़ा बेसा रोड नागपुर। एक ओर दीपावली का पावन पर्व है तो दूसरी ओर लोकतंत्र का महापर्व, ऐसे में कहीं दिए जल रहे हैं तो कहीं दिल। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है हिंगना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दत्तवाड़ी परिसर में। यहाँ हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी, जो नेता, कार्यकर्ता सभी मौजूद है, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं। इनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर उनकी पसंद का विधायक कौन है। मौजूदा जो विधायक थे समीर मेघे, जो भाजपा से आते हैं, वो उनके विकास से आखिर कितने संतुष्ट है। सबसे पहले तो बीजेपी से कौन है ये बताइए साहब, क्या नाम है आपका? आनंद बाबू कदम, वाड़ी मंडल अध्यक्ष बीजेपी। कदम साहब ये बताइए, समीर मेघे के कार्यकाल में कौन से विकास पूरे और कौन से अधूरे? अभी कौन से विकास नहीं हुए ये पूछो, विकास तो सभी प्रकार के हो गए। पानी का रहे, रास्ते का रहे, उड़ान पुल आपको दिख रहा है, हर प्रकार का विकास हो गया। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर क्या करें? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेके अभी 30 बेड का एक रुग्णालय का भूमि पूजन हुआ है और वो रुग्णालय अभी होने जा रहा है। शिक्षा के दृष्टि से भी उन्होंने चारों तरफ अपनी छाप छोड़ी है। अच्छा, कांग्रेस से कोई है यहाँ पर? राष्ट्रवादी कांग्रेस, आइए इधर आ जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, रमेश बंग यहाँ से चुनावी मैदान में है, किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता तक पहुंच रहे हैं? मुद्दे तो काफ़ी है। जो विद्यमान आमदार थे यहाँ के, समीर जी मेघे, इन्होंने 8-10 साल में मतलब काफ़ी प्रश्न प्रलंबित है यहाँ पे। रास्ते का प्रश्न है, उसके बाद में पानी की समस्या है, पानी वेना का पानी आ रहा है, पूरा गरुड़ पानी आ रहा है। उसके बाद में यार्ड का प्रश्न है, बाजार पेटी का प्रश्न है। हॉस्पिटल जो बंग साहब ने लाया था 100 बेड का, उसमें खाली 30 बेड का ही सैंक्शन हुआ है, तो यह काफ़ी प्रश्न प्रलंबित है। जिस तरीके से हमने आपको पहले कहा था कि कहीं दिवाली के दिए जल रहे हैं तो कहीं दिल, ऐसे में ये जो हम चौपाल यहाँ पर जो अरेंजमेंट किए हैं, जिस चौपाल का, इस चौपाल में यहाँ से कांग्रेस में कोई नहीं है, क्योंकि बगावत के सुर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने को मिल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल भी है। आंचल, किस तरीके से देखते हैं आप हिंगना विधानसभा को? जी बिल्कुल पारस, जो हिंगना विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी सालों से जो है भाजपा और राष्ट्रवादी का जो मुकाबला देखा जाता है, इन दोनों ही पार्टी में ये देखा जाता है। और यहाँ से 3 बार की टर्म जो है, 3री बार ये समीर मेघे यहाँ से खड़े हो रहे हैं और काफ़ी कड़ा मुकाबला ये देखा जाता है। अभी का जो ये देखा लोकसभा चुनाव के अंतर, लोकसभा जो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा का जो क्षेत्र आता है रामटेक, उसके अंतर्गत ये हिंगना विधानसभा क्षेत्र आता है। तो यहाँ से लोकसभा के जो नतीजे आए थे तो उसमें ये देखा गया था कि काफ़ी हद तक वाड़ी क्षेत्र से और हिंगना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पाले में जो है वोट गए थे। तो एक प्रकार से ये इस वक्त कहा जा सकता है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी एक साथ में अगर गठबंधन से लड़ रही है और यहाँ से राष्ट्रवादी के जो बंग साहब खड़े हैं, तो एक अच्छा सा पार्ट बोल सकते हैं कि उसका फायदा, जो लोकसभा के नतीजे आए थे वो फायदा यहाँ पर राष्ट्रवादी को हो सकता है इस बार। जिस तरीके से हमें महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, यदि हम हिंगना विधानसभा क्षेत्र की बात करें या रामटेक की बात करें, तो जिस तरीके से हमने देखा है कि हिंगना में कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ की राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट है, शरद पवार गुट को गई है, रमेश मंगाते हैं राष्ट्रवादी से, किस तरीके से देखते हैं? क्या नतीजे में कुछ फेरबदल दिखाई देगा, क्या लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेस इस चौपाल में भी नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ से इस चौपाल में भी ये साफ तौर पर समझ के आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि, यहाँ पर कार्यकर्ता प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ से अगर बात करें कि कांग्रेस और सीट, कल जो नामांकन दाखिल हुआ और आखिरी जो नामांकन दाखिल किया, तो यहाँ से बंग साहब को टिकट दी गई। उसके पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा था, इसलिए कि यहाँ से कांग्रेस को भी सीट मिले,
ये इसकी वजह भी ये थी कि लोकसभा चुनाव में जो उनका अच्छा सा रिकॉर्ड बना था, अच्छा जो नतीजे आए थे, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं हौसले बुलंद थे कांग्रेस, बिल्कुल हौसले बुलंद थे, तो वहाँ से वो सीट की मांग कर रहे थे। और अगर वहाँ से सीट की मांग कर रहे थे तो कुंदा राउत का नाम भी सामने आ रहा था, तो ये तो नाराजगी जाहिर तौर पर यहाँ पर साफ होती दिख रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, खासतौर पर महिलाएं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोनिया राजेश वानखेड़े है। कौन सी पार्टी से आते हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, किस तरीके से देखते हैं आप हिंगना विधानसभा को? सर, नाली आणि रस्ते हे बांधणं हे सरकारचंच काम आहे, परंतु आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो मताचा अधिकार दिला आहे, तो मताचा अधिकार हा परिवर्तनासाठी दिला आहे, आणि हे परिवर्तन त्यांना अपेक्षित होतं की सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक असायला पाहिजे। म्हणूनच माझं एवढंच म्हणणं आहे की येथील प्रस्थापितांनी अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजासोबतच शैक्षणिक आणि आरोग्य या ज्या बेसिक मूलभूत हक्काच्या गोष्टी आहे, या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं आहे। म्हणूनच हे परिवर्तन आम्हाला मान्य नाही, आणि परिवर्तन हे फक्त वंचित बहुजन आघाडी घडवून आणेल एवढंच इथे सांगायचं आहे। त्यासोबतच BJP ने जे 30 खाटांचं रुग्णालय प्रस्तावित केलं आहे, इतकी मोठी पॉप्युलेशन असल्यानंतर 30 खाटाचं रुग्णालय समीर मेघे दोनदा काउंटिंग होते, दोनदा आमदार राहिलेले आहेत, तरी 30 खाटाचं आजपर्यंत सँक्शन नाही आहे। अतिक्रमणाचा मुद्दा, मालकी हक्काचे पट्ट्याचे जे मुद्दे आहे, हे सगळे ऐरणीवर आहेत। त्यासोबतच स्त्री अत्याचार, स्त्रीसोबत जे म्हणजे जे काही अत्याचार होऊन राहिले, तो सुद्धा मुद्दा ऐरणीवर आहे। आणि BJP मौजूदा सरकार की यदि बात करें, स्त्रियों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार की आपने बात की है, BJP तो कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लाडली बहना लाई है उन्होंने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई है, इस पर क्या कहना है? सर, इस पे यही कहना है मेरा वाला कि लाडली बहन योजना आने से सारी चीज़ें जो सरकार 15 लाख रुपए खाते में जमा करने वाली है, वो करने वाली थी, वो 1500 पे आ चुकी है, पर जिस हिसाब से वो 1500 दे रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि वो 1500 कुछ भी मायने रखते नहीं। दूसरी बात, आज आपने देखा कि अक्षय शिंदे का जो एनकाउंटर हुआ है, अक्षय शिंदे का एनकाउंटर इसलिए हुआ है कि किसी बड़े BJP के नेता का नाम सामने आने वाला था, इसलिए उसको ही हटा दिया। दूसरी चीज़, अगर यही एनकाउंटर की पॉलिसी है, तो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों का जो प्रचार प्रसार मोदी आप हिंगना विधानसभा पर बात की, महिलाओं की बात हो गई है, अब हिंगना विधानसभा पर बात की। तो सर, हिंगना विधानसभा के बेसिक मुद्दे है कि यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, वो फैक्ट्रियों को आपको रिजुवेनेसिंग करना चाहिए था। 2 टर्म आमदार वो भी रह चुके, रमेश चंद्र जी बंग भी मंत्री लेवल तक रह चुके, पर यहाँ सिर्फ नाली और रस्ते यही हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारे आरोग्य की सुविधा जो है, हमारा शिक्षण, आप देखिए झड़पी जो स्कूल है उसकी क्या अवस्था बन चुकी है, उसकी तरफ किसी प्रस्तापित का ध्यान नहीं है। गडकरी साहब उड़न पुल का अभी जो बना है उसका उद्घाटन करने आए, पर उन्होंने उसके ही पीछे नगर परिषद बना है उसका उद्घाटन किए 2 मिनट के लिए, पर उसके पीछे जो जिला परिषद की स्कूल है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किए नहीं। आज वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, तो ये सरकार हमको अच्छी शिक्षा और अच्छा आरोग्य देना चाहती नहीं है। आज मेडिकल में एक्सरे निकालने जाओ तो महीनों तक रुकना पड़ता है। समीर मेघे कि यहाँ पर अगर उनके हॉस्पिटल में एडमिट हो तो पैसों का खेल चलता है। इस अगर ऐसे ही अगर इन लोगों को, प्रस्तापितों को यही हमको देना है, तो इन लोगों ने ये सब योजनाएं देना ही नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि अगर इसका ही मतलब ये है कि हमको सुविधा देना, तो इसको सुविधा देना कहते नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपने जिस तरीके से अभी कहा कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर कार्य किए गए हैं समीर मेघे द्वारा, किस तरीके के कार्य, ये तो आज सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए। अब यहाँ ऐसा है, 22 करोड़ का तो रुग्णालय का भूमि पूजन हुआ होने जा रहा है। शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र शासन शिक्षा के लिए यहाँ पर बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन जिला परिषद में जो कांग्रेस की सरकार है वो उसमें अड़ंगा डाल रही है। शिक्षा के दृष्टि से जो काम चल रहे हैं उसमें थोड़ा अड़ंगा डाल रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो पा रहे। मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है इनका, ऐसा कहना है साफ तौर पर। आप कहते हो कि समीर मेघे के कार्य बेहतर है? नहीं, समीर मेघे के कार्य हकीकत में बेहतर है। पिछले 10 साल से उन्होंने जो कार्य किया है, जो संपर्क रखा है वंचित से लेके गरीब से लेके हर चीज को, हर व्यक्ति को उन्होंने सहारा दिया है, सपोर्ट किया है। और जब भी किसी गरीब से गरीब का फ़ोन जाता है तो फ़ोन उठाते जरूर है और बातचीत करते हैं और हर उनको मदद करते हैं। बताइए,
अगर उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने इतना ही प्रोत्साहित किया है, तो हाल ही में आपने एग्जांपल देखा होगा कि उन्हीं की एक स्कूल की लड़की थी, कॉलेज की, डेंटल कॉलेज की लड़की थी, उसने सुसाइड क्यों किया, उसके माँ बाप ने वो मुद्दा उठाया कि उनको, उसकी बेटी को डिप्रेशन में डाला गया था। क्यों डाला गया था? क्योंकि उसकी फीस का विषय आ गया था। अगर इतना ही शिक्षा के लिए वो करते हैं तो वो लड़की के जो मतलब उसने जो सुसाइड किया है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके फादर की जो बाइट ली गई थी उसके बाद उसके फादर का कोई भी बयान मीडिया में आने दिया नहीं, उसके बाद वो लड़की का क्या रिजोल्यूशन निकला, क्या सोल्यूशन निकला, ये किसी को भी मालूम क्या? आपका ये कहना है कि राजनीतिक प्रेशर डाल रहे हैं, राजनीतिक दबाव? ऑफ कोर्स सर। क्या कहोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी शिक्षा के दृष्टि से रहे चाहे आरोग्य के दृष्टि से रहे, जो भी हुआ है वो उनका वैयक्तिक विषय है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मौजूदा विधायक के विकास से कितने संतुष्ट है। यहाँ से हिंगना विधानसभा की यदि बात करें तो हिंगना विधानसभा क्षेत्र से ये जो सीट है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से, यहाँ से पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग यहाँ से चुनावी मैदान में है, वही समीर मेघे को दोबारा भाजपा ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में किस तरीके के नतीजे आएंगे ये जानने का प्रयास लगातार महान्यूज 7 करता रहा है। ये जो लोग हमारे साथ बैठे हैं ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जिनसे हम बात करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन से विकास पूरे और कौन से विकास अधूरे दिखते हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उत्तर भारतीय सभा चलाता हूँ उमाकांत अग्निहोत्री के नेतृत्व में। हमको तो इस विधानसभा में 10 साल में कोई काम नहीं दिखा है। यहाँ 10 साल पहले जो पानी का टैंक लाए थे बंग साहब ने लाए थे, रोड का जो भी काम किया था वो बंग साहब के नेतृत्व में, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। समीर मेघे जी 5 साल में जब भी इलेक्शन आता है तभी आते हैं, इसके पहले उनका कोई काम नहीं दिखा जाता। MIDC में देखिए, हम उत्तर भारतीय मेहनत मजदूरी के लिए जाने जाते हैं, MIDC में सारे के सारे कंपनी बंद है और हम लोगों को दूजा दर्जा से दिखा जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे। यहाँ नागपुर में 14 लाख उत्तर भारतीय हैं। एक समय था कि 4-4, 5-5 उत्तर भारतीय विधायक यहाँ थे, चतुर्वेदी जी से लेकर के बंग साहब से लेकर के बनवारीलाल पुरोहित का, हम किसी पार्टी से नहीं। तब उत्तर भारतीयों का विकास हुआ करता था, तब उत्तर भारतीयों को विकास हुआ करता था, उत्तर भारतीयों को अच्छे नज़रिए से देखा जाया करता था। जब से BJP शासन आई है तब से उत्तर भारतीय सभा का हर जगह पत्ते कट हो गए हैं, हर जगह उत्तर भारतीय इनके बगावत में। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए कि आप हिंगना विधानसभा क्षेत्र में रहते हो, ऐसे में कितना विकास यहाँ पर दिखता है, विकास यहाँ दिखता है या बोलता है? यहाँ विकास दिखता नहीं है, विकास की मम्मी भी नहीं दिखती है, यहाँ विकास बिकता है। समीर मेघे जी 10 साल में यहाँ आए ही नहीं, जो भी यहाँ विकास हुआ है वो बंग साहब का ही कार्यकाल में ही किया हुआ है। अच्छा, एक बात, यहाँ से आप BJP से हो, ये सीधा आरोप है इनका कि यहाँ पर समीर मेघे दिखाई नहीं देते, इस पर क्या कहोगे आप? मैं केशव बांद्रे, भारतीय जनता पार्टी OBC आघाड़ी का जिले का महामंत्री हूँ। यहाँ माननीय समीर जी मेघे के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे उसमें कोई तथ्य नहीं है। समीर मेघे एक ऐसा विधायक है, वो ऐसा कोई भी पार्टी का हो, अब वंचित के लोग यहाँ पर है, BSP के लोग है, कांग्रेस के लोग है, ये खुद ही बोलते समीर मेघे जैसा आमदार हमने कहीं देखा नहीं, ये उनके शब्द है। अगर समीर मेघे बुरे हैं तो ये सारे पार्टी के लोग समीर मेघे के ऑफिस में जाकर के उनसे नमस्कार चमत्कार लेकर के अपने काम निकालते हैं। काम निकालने के बाद में ये खुद ही उनका प्रसिद्धि करते हैं। तो इतना अच्छा आमदार है कि सारे पार्टी के लोग जाकर के वहाँ पर काम करके आते हैं और ना किसी को नाराज करते हैं। रात को 2 बजे भी अगर आप फ़ोन करो तो समीर मेघे फ़ोन उठा करता, अगर नहीं उठाया तो रिप्लाई देते हैं। तो इतना अच्छा रिस्पांस देने वाला आमदार। अब रही बंग साहब की बात, बंग साहब हम 1984-85 से राजनीति में हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से बंग साहब विधायक रहे, 2.5 साल मंत्री रहे, आज हमारा एक ही कहना है, ये वाड़ी के विकास के बारे में बात कर रहे हैं और बंग साहब की इतनी स्तुति कर रहे हैं। बंग साहब हमारे आदरणीय है, हमारे पिता तुल्य है, हम उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक बात है, बंग साहब जिस गांव से आते हैं उस गांव के अंदर में बंग साहब का जो पुराना घर है जहां रहते थे पहले, उस गली में जाके देखो उस गली का क्या विकास हुआ है और उस गली में उन्होंने कौन से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। और उस हिंगना विधानसभा के अंदर में हिंगना के नाम से ही MIDC है, आप खुद उद्योगपति है, आपने कौन से उद्योग वहाँ पर लाए मंत्री रहते हुए? ये 10 साल में अगर परिवर्तन की भाषा बोलते हैं तो इन्होंने जो 60-65 साल जो सत्ता का उपभोग किया उसमें इन लोगों ने कौन सा उद्धार किया जनता का, ये उन्होंने बताना चाहिए। अच्छा, एक मेरा ऐसा सवाल है कि यहाँ से तीसरी बार
समीर मेघे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ये जो तीन बार जो जीते हैं, यहाँ से दो बार समीर मेघे जीते हैं, ये तीसरा मौका है। ऐसे में यहाँ पर वो आखिर जीत के कैसे आ रहे हैं, ये कौन बताएगा, बताइए। विपिन वर्मा नाम है मेरा, उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। अभी जैसे आपने पूछा कि समीर मेघे तीसरी बार उनको टिकट मिला है और तीसरी बार जीत के आएंगे क्या, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। इतनी जो चर्चा हो रही है, विकास नहीं हुआ और स्वास्थ्य को लेके और एजुकेशन को लेके, तो सब प्रश्नों में ही उत्तर छुपा हुआ है। जो काम कर रहा है, लोगों को दिख रहा है, इसी कारण लोग समीर भैया को वोट दे रहे हैं। और जब कोई काम करता है तब जनता जनार्दन आज की तारीख में इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को भी कोई भी चिन्ह पे या किसी के बोलने पे किसी को वोट कर दे। काम दिख रहा है लोगों को, हर गली नुक्कड़ में विकास है, इसके कारण ही लोग वोट कर रहे हैं और इसके कारण ही समीर भैया तीसरी बार जीत के आने वाले हैं और प्रचंड बहुमतों से जीत के आने वाले हैं। इसका कोई विषय ही नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम बहुत अच्छा हुआ और काम तारीफ़ काबिल हुआ। हर एक पार्टी का वर्कर, हर एक पार्टी का नॉर्मल जनता, हर कोई आम जनार्दन, जनता जनार्दन जो भी उनसे मिलना चाहे वो जाके उनसे मिल सकता है। हर किसी का काम करते हैं, उनसे कोई मिलने जाता है तो वो कभी ये नहीं पूछते कि आप कौन सी पार्टी के हो या आप किस लिए आए हो। उनका पीए साथ में होता है, उनका फ़ोन साथ में होता है, जो भी जिस किसी की जो भी समस्या है उसका तुरंत हल होता है और वहीं के वहीं वो फ़ोन करते हैं और जो भी उनको निर्देश देना है वो सामने वाले की मदद करने के लिए वो तभी के तभी उसका काम करके देते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये उत्तर भारतीय महासभा से आते हैं, ऐसे में इनका तो साफ तौर पर कहना है कि समीर मेघे यहाँ पर दिखते ही नहीं कभी। भैया, समीर मेघे ये सिर्फ दिखने की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि समीर भैया का बाजू में ही ऑफिस है, इस रोड के पीछे की जो गली है वहाँ पर उनका ऑफिस है, तो हर हफ्ते आते हैं वो, सबकी समस्या सुनते हैं वो, और इतना ज़्यादा उनका मेल मिलाप है सब लोगों से। और ख़ासकर उत्तर भारतीय की बात करूँगा मैं, तो उत्तर भारतीयों का संगठन इतना मजबूत है हिंगना विधानसभा में कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत है। और सारे उत्तर भारतीय बहुत खुश है, किसी भी तरीके से कुछ भी, सारे मंदिरों में उन्होंने अपना योगदान दिया है अपनी निधि से, उनके कारण बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, कभी किसी को दिक्कत होती है तो पर्सनली उसको मदद करते हैं, किसी भी कारण से कोई भी चीज़ में कमी नहीं है यहाँ पे। और उत्तर भारतीयों का जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, जितना अच्छा संगठन हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ से दूरी बनाए रखे ताकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो महान्यूज़ 7 के कैमरे में सभी लोग आसानी से आ सके। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से महान्यूज़ 7 लगातार आम जनमानस के भीतर आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर चल क्या रहा है, ये जानने का प्रयास करता रहा है। आपका नाम बताइए। संजय जीवन गुरु, मैं वाड़ी शहर कांग्रेस का महासचिव। आप कांग्रेस से आते हो जी, एक बात बताइए, यहाँ की जो भिंगना विधानसभा की जो सीट है ये राष्ट्रवादी के गुट में गई है, शरद पवार गुट में गई है, तो कहीं ना कहीं हमें बगावत दिखाई दे रही है, किस तरीके से देखते हैं आप भिंगना विधानसभा को, क्या विकास पूरा और क्या अधूरा? सर, मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो भी सीट दी हुई उसके लिए हम कटिबद्धता है हमारी। यहाँ पे विकास के नाम पे जो आज जो चर्चा चल रही है, यहाँ पे विकास बोले तो नहीं के बराबर है, वैसी जो था एज इट इज वैसी के वैसी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। जो पुराना था कुछ थोड़ा बहुत तो होते रहेगा, क्योंकि कैसा है कि आज जो यहाँ का जो ये मिल रहा है स्टैम्प ड्यूटी उसी पे हो रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा में बोले तो आज भी सुविधाजनक यहाँ पे कोई नहीं है। क्या क्या असुविधाएँ होती यहाँ पे? सर, सुविधा बोले तो अस्पताल नहीं है, शासकीय अस्पताल ये जो महा आघाड़ी की सरकार रहते हुए जो मंजूर किया था वो लाने के लिए पार्षद को, ये आमदार को 10 साल लगे, वो 10 साल लगने के बावजूद भी उसका अभी तक कुछ ये नहीं है। सिर्फ एक स्टैंडिंग है जो बनाना है ना, अभी इलेक्शन में आ रहे कि भाई मैं 22 करोड़ रुपए इसके लिए लाया, पर 22 करोड़ ला के क्या करोगे आप? रमेश बंग तो मंत्री हुआ करते थे तब भी यहाँ पर अस्पताल नहीं लाया गया। सर, तब तो उनके यहाँ पे 6 महीने के लिए समय जो उनका जो हिंगना विधानसभा जिस समय ये हुआ उस समय मिनिस्टर थे, पर उस समय 6 महीने का कार्यकाल था यहाँ पे, उसके बाद तब से बीजेपी का ही यहाँ पे MLA है। इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस यहाँ से रहते थे, उन्होंने भी कुछ विकास नहीं किया था यहाँ पे। आपका क्या नाम? मैं सुधाकर सोन, पिपड़े बहुजन समाज पार्टी का हिंगना विधानसभा का प्रभारी हूँ।
अच्छा एक बात बताइए, चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, जो एक घोषणा पत्र बनाती है उसे कितना अमल में लाया जाता है? नहीं नहीं, कोई अमल में नहीं लाया जाता, सिर्फ बातें बोली जाती है। वो तो लोगों को बहकावे के लिए और खुश करने के लिए वो लोग घोषणा पत्र लाते, नहीं तो घोषणा तो गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने भी बोला था गरीबी हटी क्या अभी तक? आरोग्य बराबर हुआ, एजुकेशन मिला, कुछ नहीं मिला। 15 लाख का मोदी ने भी किया था, हर एक के खाते में जाएगा, क्या आ गया? सब लोफर लोग है ये, कोई घोषणा करते सिर्फ गरीबों को चुतिया बनाने के लिए, बाकी आने के बाद में जो होता है होता है। अभी देखो हिंगना विधानसभा में इतने सारी झोपड़पट्टियाँ हैं, अभी तक एक को भी पट्टा नहीं मिला। स्वास्थ्य की एजुकेशन की देखो, अभी 5,500 स्कूलें बंद पड़ने जा रही इस भाजपा के कारण में, नई स्कूल कहाँ है? अगर गरीब के बच्चे जिला परिषद में अगर पढ़ने जाते, वही स्कूल अगर बंद हो गई तो जिनके पास में पैसा रहेगा वो CBSE के स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं तो बाकी के बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? जिनके पास में पैसा रहेगा वो एजुकेशन देंगे इंग्लिश स्कूल में यानी प्राइवेट स्कूल में, बाकी के बच्चे यानी जैसे के वैसे रहेंगे। यानी मनुस्मृति के काल में जो एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण समुदाय को मिलता था, बाकी समुदाय को नहीं मिलता था, बिल्कुल वही कंडीशन आने वाली है। जिनके पास में पैसा रहेगा वो पढ़ाएगा, जिला परिषद स्कूल बंद पड़ जाएंगी, गरीबों के बच्चे कहीं नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो कहाँ की बातें बोले, उद्योग की बातें, अरे हिंगना विधानसभा में, हिंगना में MIDC गुरु अभी यहाँ पे वाड़ी को लग के इतनी सारी MIDC थी, इतने लोग काम कर रहे थे। ये जो बरिणी संख्या इतना बड़ा जो वाड़ी हुआ ना एरिया, वो सिर्फ वो MIDC की वजह से बड़ा है, कंपनी की वजह से बड़ा है। अभी यहाँ के सभी लोग हैं भाजपा के, कोई भी रहो नाम नहीं लेता, ये अगर उद्योग हिंगना ये एरिया में आया होगा MIDC में तो बताओ बोलना, एक तो भी कंपनी का नाम बताओ बोलना, बिल्कुल नहीं है। आप बता सकते हो साहब कोई एक कंपनी का नाम बताओ? ऐसा उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसा कहना? उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसा है। MIDC के अंदर में जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, उस फैक्ट्रियों का पलायन तब हुआ जब कांग्रेस की यहाँ पर सत्ता थी, बराबर है। फिक्स ट्रांसमिशन, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनियाँ फिक्स ट्रांसमिशन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों का विस्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रवृत्त किया और उन्होंने नागलवाड़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस एरिया के अंदर में अपना बहुत बड़े बड़े प्लांट खड़े करके लोगों को रोज़गार दिया है। छोटी छोटी कंपनियां उसके वजह से खुली, उन लोगों को रोज़गार मिला, जो कंपनियां खोल के बैठे उनके यहाँ पे काम करने वाले वर्कर जो है वो भी कमा रहे, जो छोटी उद्योग चलाने वाले वो भी चला रहे, और बड़ी उद्योगों को उन लोग जो पार्ट्स लगते वो भी दे रहे हैं। कुछ पैमाने पे जिस तरीके की लोक संख्या है उस पैमाने में यहाँ पे उद्योग की कमी है, उसके अनेकों कारण हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उद्योग लाया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उद्योग रोका, ऐसी बात नहीं है। कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, हमारे गांव का और हमारे जनता का विकास हो यही मानसिकता रखते हैं, तो मानसिकता रखने वाले और गांव का विकास, जनता का विकास, यही भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं का, हर नेताओं का एक मानस रहता है। ये नहीं कि हम लोग राजनीति में चुन के आ गए और हमारा हम अय्याशी कर रहे हैं, हमारी मर्जी से हम लोग जनता को चलाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनता को मर्जी से चलने वाले विधायक और जनता के मर्जी से चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम राजा बोल करके यहाँ पे सत्ता में आकर के हम लोग राजा है ऐसा दिखाते नहीं हैं। इतने बड़े परिवार से और राजनीतिक घराने से आए हुए समीर में के एक सादा सा उदाहरण है यार, अब सभी पार्टी के लोग उनके पास में जा करके काम करते, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आप खुद ही पूछ लो, यहाँ बैठे हुए काफ़ी लोग उनके पास में जाकर के अपने काम निकालते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा स्लम को लेकर यदि हम स्लम इलाकों की बात करो तो शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे का एक सपना था कि हर जो गरीब परिवार है उन्हें छत मिले। उस समय की बात है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जोशी साहब हुआ करते थे, मनोहर जोशी जी, तो अब तक का क्या ये सपना अधूरा है, क्या लगता है आप? देखिए जी, जहाँ जहाँ भी स्लम एरिया है, अब मैं पर्टिकुलर वाड़ी की बात करूँगा, वाड़ी के अंदर अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर जिस एरिया में बसा हुआ है वो एरिया झुड़पी जंगल में आता है। वो झुड़पी जंगल के अलावा दूसरे कोई क्षेत्र में अगर आता है तो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से उसको निकाल करके रुक जाइए, आपके पास जाएंगे। अंबेडकर नगर की पहले में रुक जाइए, बारी बारी से बात कीजिए। मैं पहले ही बोला मैं अम्बेडकर नगर की बात करता हूँ। अम्बेडकर नगर ये झुड़पी जंगल में आता है, झुड़पी जंगल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन देने के लिए ये नहीं करती।
कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी हमारे विधायक को, हमारे मिनिस्टर को, DCM को, सब लोगों को, देवेंद्र जी को, हम लोगों ने कई बार लेटर दिए, वो आपको लेटर हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाओं को पार करके लोगों को पट्टा देना, हम नहीं देना ऐसा हमारी मानसिकता नहीं है, देना है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उस नियम को पार करके उसको जाना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक के सारी सुविधाओं को, सारी व्यवस्था को निपटा करके उसको पट्टा देना है। अच्छा, एक समीर जी उस काम के लिए लगे हुए हैं, देवेंद्र जी भी 10 साल यहाँ पे आमदार रहे, उनको भी पता है अम्बेडकर नगर की और वाड़ी की क्या स्थिति है, वो भी जानते हैं। वो अगर हमारे विधायक या हमारा कार्यकर्ता वाड़ी के बारे में अगर अपना देवेंद्र जी के पास में जाते हैं तो वो बड़े उत्सुकता से और बड़े आत्मीयता से उसको सुनते हैं और देखते हैं और उसका पूरा करने का उन लोग अपने विधायक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सोच के काम करने की मानसिकता रखते हैं। आने वाले 20 नवंबर को मतदान है, ऐसे में मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाए, क्या लगता है? एक आखिरी सवाल, ब्रीफ में आंसर दीजिए, किस तरीके के नतीजे सामने आए? नतीजा तो सर कल आपने देखा होगा, शायद सभी लोग होंगे, कल समीर जी मेघे ने नामांकन भरा है। नामांकन में जो संख्या थी वो संख्या के आधार पर आप उसका रिजल्ट बता सकते कि कौन चुन के आएगा। एक बहुत बड़े घर से आया हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति के साथ में रह करके और सर्वसाधारण व्यक्ति का काम करने की मानसिकता रखने वाला एक विधायक, अब कांग्रेस के, बहुजन समाज पार्टी के और वंचित के लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसा है, 10 साल में अगर आप विकास चाहते हैं तो आपने किए हुए 60 साल का विकास का आपने भी जवाब देना चाहिए। ये वाड़ी के अंदर में जो भी दिख रहा है, शुगर लाइन हो गई है, पाइपलाइन हो गई है, वेना की जो वाटर लाइन थी वो भी हो गई है, अभी जो रोड टूटे हुए वो रोड को तोड़ के जो अभी उसको इंस्टॉलेशन करना है नया, उसके लिए भी फंड आया हुआ है, सारी बातें हो रही है। अभी तक के हम लोग वेना के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो फिल्टर प्लांट था उसके ऊपर डिपेंड थे, अभी वो भी सैंक्शन हो गया, हमारे नगर परिषद का, हमारे वाड़ी का अधिकार का, हमारा खुद का ये फिल्टर प्लांट रहेगा, उसमें हमारा आधिपत्य रहेगा, नगर परिषद और यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो चाहेंगे उस तरीके से लोगों को पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी बातें है, यानी समीर में की हैट्रिक बनाएंगे, बिल्कुल हैट्रिक बनाएंगे जी, बनाएंगे अभी 47,000 वोटों से चुन के आएंगे। मैं आपसे लिख लेता हूँ, सारी पार्टी के लोग बैठे 60,000 से चुन के आएंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है, वो मौजूदा विधायक के विकास से आखिर कितने संतुष्ट है, आपका कहना। नमस्ते, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी युवक आघाड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ। पिछले 10 साल में जो अपने समीर जी मेघे विधायक है और उसके पहले जो रमेश चंद्र जी बंग है, ये राष्ट्रवादी से, और इसके 10 साल पहले जो विधायक अपने विधायक समीर मेघे जी, ये भी कांग्रेस से इनकमिंग है। ये सिर्फ सत्ता के लिए इधर के उधर, उधर के इधर जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं को मैं विकास के तौर पे कुछ भी नहीं मानता। भारत के दिए हुए संविधान के अनुसार मूलभूत सुविधा का हर नागरिक का हक और अधिकार है। आप रोड बनाओगे, नालियाँ बनाओगे, गटर लाइन बनाओगे और उसको बोलेंगे हमने काम किया, तो मैं इसको काम नहीं मानता। ये विकास उनका अधिकार है, उनको करा के देना है। ये जनप्रतिनिधि बोल के अगर विधानसभा में जाते हैं विधानसभा से, तो उनका ये काम है, वो करके देना ही जरूरी है। लेकिन इसके ऊपर की भी जो समस्या है, रोजगार की है समस्या है, शिक्षण की समस्या है, ये समस्या को कौन है? आज महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, बहुत बड़े मुद्दे पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है SC ST OBC क्रिमिनलियर अपना वर्गीकरण का। ये मुद्दे पे क्या इनका स्टेटस है? महायुति और महाआघाड़ी ये सिर्फ सत्तांतर करने के लिए एक आते हैं। इसके पहले के 2.5 साल पहले सब अलग अलग बिखरे पड़े थे, जब इनको ज़रूरत पड़ी कि मुझे सत्ता करना है, हमारा बचा हुआ धन बचाना है, तो इधर के इधर चले गए, आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए और इन्होंने अपनी सत्ता स्थापन की है। ये कोई महाराष्ट्र के जनता को योजना देने के लिए युति और आघाड़ी नहीं बनाते, ये खुद की पार्टियां स्टैंड करने के लिए, खुद का राजकारण बचाने के लिए, खुद का घराने से ही बचाने के लिए यही करते हैं। बाकी इस मुद्दों से मुझे नहीं लगता है कि ये मैं विकास नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, खंड खंड में जो विभाजित जो पार्टियाँ थी, जिस तरीके से आपने अभी कहा, उन्होंने एक एकजुटता जो दिखाई है, एक ओर जहाँ महायुति है वही दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी, क्या लगता है
कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की आपने बात? इसमें परिवर्तन बिल्कुल ही होगा नहीं। जो महायुति और महाविकास आघाड़ी के कल घटक दल जो एकत्र आके फॉर्म भर रहे थे, उन्हीं के कुछ पक्ष के लोग अलग अलग जाके इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहे। कल ये इंडिपेंडेंट के फॉर्म भरने के लोगों की संख्या देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी जो शाहू फुले अम्बेडकरी चळवळ का एक हमारा प्रबोधनकार अनिरुद्ध सेवाड़े जी हमने मैदान में उतारे है, निश्चित रूप से मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि हमारा आमदार इस बार परिवर्तनवादी रहेगा और शाहू फुले अंबेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला आमदार वंचित बहुजन आघाड़ी हिंगना विधानसभा के लोगों को देने की राह में है। आपका क्या नाम? मेरा नाम नागेश बोरकर है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर ग्रामीण तालुका उपाध्यक्ष इस पद पे काम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको मतदान करना है, हमको वोटिंग करना है। विकास की परिभाषा ही यहाँ पे गलत दिखाई जा रही है। विकास की परिभाषा ये सिर्फ रास्ते का काम करना, नाली का काम करना, यही दिखाई जा रहा है। लेकिन एक विधायक अगर उस लेवल पे, तो विधायक ने विधानमंडल जो विधानसभा जो बोलते हैं वहाँ पे जो मुद्दे मानने रखने चाहिए वो नहीं रख पा रहे। आरोग्य का मुद्दा जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ पे विषय निकला, तो आरोग्य के मुद्दे पे अगर यहाँ पे 10 साल से 20 साल से अगर कोई दो पार्टियाँ यहाँ पर काम कर रही है, इन लोगों ने सिर्फ 30 खाट के हॉस्पिटल के लिए ही मांग की है। यहाँ पे अपने बाजू में ही एक दौलामिटी करके ग्राम पंचायत है जहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की सरपंच चुन के आई। सरपंच जैसे ही चुन के आती है, वो राजेश टोपे जो आरोग्य मंत्री थे वहाँ तक पहुँचने के बाद उन्होंने तालुका लेवल का हॉस्पिटल सैंक्शन करने के लिए लगे हैं। वहाँ से लेटर आया था यहाँ पे इंक्वायरी के लिए कि भी क्या किया जाए, तो अधीक्षक जो आरोग्य विभाग के जो नागपुर जिला के अध्यक्ष है उन्होंने जब सर्वे किया तो उनका कहना था कि यहाँ पे तालुका लेवल का हॉस्पिटल चाहिए। तालुका लेवल बोले तो 100-150 खाट जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे डॉक्टर लोग पढ़ेंगे, नर्स लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे रहने की सुविधा रहेंगी। इस टाइप का जो अगर यह हॉस्पिटल बन रहा है तो क्यों ये 30 खाट के हॉस्पिटल के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 30 खाट देंगे? 30 खाट नहीं, यहाँ पे तो कम से कम 150-200 खाट का हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि नागपुर ग्रामीण तालुका में शासकीय रुग्णालय कहीं नहीं है। तो ये हो गया। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात, शिक्षा और रोजगार को? शिक्षा तो इतना यही पे नहीं। ब्रीफ में बोलिए, ब्रीफ में और भी कुछ लोग हैं। अभी जैसा आपने शिक्षा का मुद्दा पूछे, शिक्षा ठीक है, हम यहाँ के जो विधायक है, महाराष्ट्र के जो विधायक है, क्यों दिल्ली की तरह यहाँ की आरोग्य सेवा, शिक्षण सेवा क्यों नहीं हो सकती है? क्यों सभी एक अमीर, एक विधायक का लड़का और एक ग्राम पंचायत सदस्य का लड़का, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का क्यों एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते? तो वंचित आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो बना है चुनाव में, वो दिल्ली की तर्ज पर है। वंचित बहुजन आघाड़ी का जो पहला ही मुद्दा उसमें लिखा है KG to PG शिक्षण मुफ्त करने का, ये जो मुद्दा है, और बहुत मुद्दे है जैसा आपने बोला कि अभी बहुत बात करना है, बहुत लोग है, वही हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये जो मुद्दा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, KG to PG तक सभी को एजुकेशन ये मुफ्त किया जाएगा। दूसरी कौन सी पार्टी से हो यहाँ पर? अब राष्ट्रवादी कांग्रेस, रमेश चंद्र पवार। आप एक बात बताइए, रमेश बंग चुनावी मैदान में है, समीर मेघे से सीधा मुकाबला है, किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर रमेश बंग घर घर तक पहुँच रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो साफ क्या लेके निकलते हैं उसका मुझे अभी आइडिया नहीं, जब तक मैं एक मीटिंग डाला हूँ और जब मेरी मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ही बता पाऊँगा। लेकिन 3-4 मुद्दे मेरे दिमाग में हैं। विकास की जहाँ बात होती है, बंसी नगर तक के आपका मेट्रो आ गया, क्या हो सकता था कि अगर आप MIDC टी पॉइंट तक अगर ला लेते तो कई यहाँ से जाके यहाँ का आदमी सीधा बर्डी और न जाने कहाँ कहाँ पहुँच सकता था। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सारे कॉलेजेस जो है वो आपके हिंगना क्षेत्र में, क्यों नहीं वो वाड़ी में आ सकते, ताकि यहाँ आने के बाद में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को मतलब जो भी लोकल रहवासी लोग हैं उनको काम मिलेगा। MIDC का पॉइंट आपके सामने सभी ने बता दिया, क्यों नहीं यहाँ पे चालू होता, एक डिफेंस ही है जिसके ज़रिए। लेकिन आज सोलार वगैरह जो बाजारगांव की जो फैक्ट्री आई है चलने के कारण यहाँ रोज़गार बढ़ा है। और जो आप डेवलपमेंट की बात करें तो वाकई डेवलपमेंट हुआ है, नाली रास्ते ये सब चीज़ें बने हैं समीर मेघे के कार्यकाल में। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे विजय देशमुख साहब जब से आए, विजय घोड़मारे मैं इनकी बात करूँ जो मुख्य अधिकारी के थे, उनके 2-2.5 साल के कार्यकाल में ही ये सारी चीज़ें मैंने देखी, इसके पहले मैंने नहीं देखी। जो भी है ये मेरा मतलब उनको श्रेय देना चाहूँगा। तो रही बात यहाँ की डेवलपमेंट की, और कुछ लोगों ने कहा कि हकीकत से मैंने भी करीब शायद समीर मेघे साहब को आज तक मिला ही नहीं, मैं मतलब यहाँ के आमदार जरूर, लेकिन मैं नहीं मिला। और रही बात उनसे कोई काम की, तो मैं कभी गया नहीं और मैंने कभी काम किया नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ, खुद ही अपने काम हम लोग कर लेते। मैं चाहूँगा कि अगर बंग साहब आते हैं तो हम उनसे खींच कर
यहाँ पर वो डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, बड़े मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे देश की भी अगर मैं बात ले लूँ, आप देखिए पहले तो आप एक घर को तोड़ रहे हैं, डिवाइडेशन का विधानसभा के मुद्दे पर कहूँगा सर, जहाँ विकास और उद्योग की बात आएगी, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े फर्म आ रहे हैं, अभी परसों भी आया तो वडोदरा में चला गया, महाराष्ट्र को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वैसे हमारे हिंगना क्षेत्र को क्या मिल रहा है? सब उधर ही जा रहा है। MIDC की आप देखो, मुट्ठी भरी की MIDC कितनी स्ट्रांग है, यहाँ की क्यों नहीं है? तो यहाँ के लोगों को रोज़गार कौन देगा? तो यहाँ पर जो उत्तर भारतीय है, बाकी अदर कास्ट के भी लोग, इनको रोज़गार नहीं है। इनके रोज़गार के लिए यहाँ पर देखना चाहिए, लोगों ने करना चाहिए। तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा? परिवर्तन होना चाहिए, मैं चाहूँगा कि परिवर्तन। आपको क्या लगता है, आप धरातल में सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हो, किस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें जो साहब खड़े हैं, समीर मेघे साहब, ये पहले से इनके जो पिताजी वो कांग्रेसी थे। अब डेवलपमेंट की बात आती तो उन्होंने 60 साल क्या किया, फिर इन्होंने 10 साल क्या किया, वो कोई मुद्दा नहीं रहा। तो मेरा एक ही कहना है कि कोई भी चुनकर आज विकास नहीं हो रहा है तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी, और इस बार परिवर्तन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत, मतलब अलग आंकड़े आपको दिखाई देंगे हर क्षेत्र में, पूरे मतलब महाराष्ट्र में आपको अलग अलग आंकड़े दिखाई देंगे, क्योंकि एक ही परिवार के तीन लोग खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ वाला इलेक्शन है। रही बात 2.5 लाख 3 लाख या 2 लाख जो लोग बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता, ये बहुत किंचित वोटों से ही हार जीत होने वाली है। 25-30-40 हज़ार 50 हज़ार के अंदर ये हार जीत होगी। अच्छा, आप बंग साहब के खेमे से आते हो, एक आखिरी सवाल है, ब्रीफ में बताइए, आप बंग साहब के खेमे से आते हो, जिस तरीके से हमें पूरे महाराष्ट्र में जो बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जो निष्ठावान हैं उनके टिकट एक प्रकार से काट दिए गए हैं, पार्टी कोई भी हो, यदि हम यहाँ की हिंगना विधानसभा की बात करें तो यहाँ से रमेश चंद्र बंग जो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से आते हैं, उन्हें मौका मिला है, क्या कांग्रेस ही जो है वो खुलकर कार्य करेंगे या धरातल में? देखिए कौन किसके लिए कार्य करता है ये तो कोई भी नहीं जानता है। रही बात सारा पैसों का खेल होता है ये दुनिया जानती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक निष्ठावंत कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप एक साथ जुड़े हैं, हम सब एक भाई है, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्र, एक साथ आके काम करना चाहिए। यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि भाई सामने वाला व्यक्ति कौन है और क्या कर रहा है, अगर एक साथ होकर काम करेंगे तो परिवर्तन निश्चित है। और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं खासतौर पर, रुक जाइए, आपका नाम बताइए, आ जाइए आप इधर आ जाइए। मेरा नाम माधुरी मोहन खोबरागड़े है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला महासचिव हूँ। अच्छा, लाडली बहन योजना को किस तरीके से? लाडली बहन योजना तो इन्होंने वोटिंग के लिए लाया है, क्योंकि इनको वोट अपने इधर खींच के लाना है। अगर पैसे देंगे तो वो, वैसे इनकी आदत है कि पैसा देके ही, जैसे कोई प्रोग्राम हो तो पैसा देके ही ये लोग अपने प्रोग्राम में लाते हैं। अच्छा, आपने लाडली बहन योजना का लाभ लिया क्या? नहीं सर, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वोटिंग जब तक है तब तक ये लाडली बहन की योजना के लाभ देंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली बंद कर देंगे, इसलिए मैंने वो फॉर्म भरा ही नहीं। अच्छा, किस तरीके से देखते हो हिंगना विधानसभा को, क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? हिंगना विधानसभा से जैसे समीर मेघे जी है, इन्होंने जैसे अपना एक उदाहरण ही देती, मैं दौला मिट्टी का ये था, आशा वर्कर का ये फॉर्म भरा था, तो जैसे अपने समीर मेघे के BJP के जो लोग हैं तो उन्होंने अपना फॉर्म डाला है, और जो गरीब व्यक्ति थी, गरीब लड़की थी, उनको वो विधवा थी, उनको नहीं लिया, और वो समीर मेघे के इससे यानी उनका फॉर्म लिया। ऐसे ही होता है, जैसे जिनके पहचान वाले। नतीजे बताइए, नतीजे बताइए, किस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं? नतीजे क्या बोलिए, मराठी भी बोल सकते हो। यानी जैसे मेघे साहब ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, मुझे ऐसे लगता है, मराठी बोले तो वही। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, ऐसे में किस तरीके के नतीजे हिंगना विधानसभा? मी तो वंचितलाच मानते, कारण आमचे ते डॉक्टर आपले ॲडव्होकेट बाळासाहेब आहे, त्यांच्याकडूनच मी त्यांच्या फेवरनं जाईल, कारण वंचितला मी सपोर्ट करते, आणि डॉक्टर बाळासाहेब जर आमची वंचित जर निवडून आली तर आम्ही शिक्षणासाठी मदत करू, शिक्षण कसं फ्री करता येईल हे मदत होईल, आणि त्याचप्रमाणे आतापर्यंत जे शिष्यवृत्ती बंद केलेली आहे BJP सरकारने, काँग्रेस सरकारने आपली शिष्यवृत्ती बंद केलेली आहे, तर आमची वंचित जर येईल, जर विधानसभेत जर ते गेले तर ते आमच्या मुलांना, म्हणजे जे वंचित आहे, जे दलित आहे, जे OBC वर्ग
आहे जे मुस्लिम आहे यांच्यासाठी ते लढतील, ज्यांचं शिक्षण कसं करता येईल, ते मुलं कसे सामोर जाता येईल, त्यांचा शिक्षणाचा फायदा कसा घेता येईल यासाठी वंचित प्रयत्न करेल आणि मुलांना कसा फायदा करून घेता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करेल। त्यामुळे मी वंचितला सपोर्ट करेल आणि वंचित जास्त पद्धतीनं निवडून येईल, जास्त चांगल्या याच्याने वोटिंगने निवडून येईल याचा मी प्रयत्न करेल आणि मी वंचितसाठी सहकार्य करेल। और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मौजूदा विधायक के विकास से वो कितने संतुष्ट है। यहाँ से समीर मेघे चुनावी मैदान में है, रमेश बंग भी चुनावी मैदान में है, वही मन से भी इस बार चुनावी मैदान में वंचित भी है। ऐसे में सबसे पहले तो नाम बताइए। मैं अखिल पोहनकर, युवा सेना उद्धव ठाकरे, बाड़ागुट से, जिला प्रमुख के नाते से अखिल पोहनकर। आप ये बताइए कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के धर्म का पालन किया जाएगा? नक्की किया जाएगा, क्योंकि हमारे उद्धव साहब का जो आदेश है और हम तीनों पक्ष जो जुड़े हुए हैं, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या हमारे उद्धव साहब हो, हमारी शिवसेना हो, हम तीनों पक्ष जो हमारे साहब का आदेश रहेगा हम उसी प्रकार से आदेश का पालन करेंगे। जिस तरीके से अभी यहाँ पर किसी शख्स ने कहा बीएसपी से आते हैं कि स्लम इलाकों में बहुत सी समस्या है, स्लम जो इलाके हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनको अब तक अपना मालकी हक का जो घर है, जो मकान है, जो छत है, वो नहीं मिली है। बाड़ा साहब ठाकरे का एक सपना था कि हर किसी को अपना खुद का घर हो, हर किसी के सिर के ऊपर छत हो, ये अभी भी यहाँ पर अधूरा दिख रहा है, इस पर क्या कहूँगे? ये अधूरा दिखने का यही कारण है कि हमें इस साल कोई भी पक्ष से हो, हमें वाड़ी क्षेत्र के आमदार चाहिए थे। जब वाड़ी क्षेत्र के आमदार रहते तो कोई भी पक्ष से हो, हमारे तीनों पक्ष में से कोई भी पक्ष से होता, जब वाड़ी का आज आमदार होता, तो ये जो दुर्घटना आप जो बोल रहे हो, घर घर में गरीबी वाड़ी में, वो नहीं होती। क्योंकि घर का वाड़ी का जब आमदार रहता तो कोई भी गरीब इंसान वाड़ी का झोपड़ी वाला भी आज अपने वाड़ी में आ सकता था कभी भी। कौन से विकास यहाँ पर अधूरे समीर मेघे के कारण? अब मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, सभी विकास सभी तरीके से बहुत ही अच्छे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, पर इसके पहले भी विकास नहीं हुए और अभी भी विकास नहीं हुए। पहले सभी पक्ष थे, मैं भी पहले, हम लोग भी बीजेपी से थे पहले भी, मतलब हम लोग शिवसेना बीजेपी के साथ थी, आज महाविकास आघाड़ी के साथ है। किसी के बारे में बोलने से पहले अपने इसमें झांकिए, फिर देखो कि कौन क्या करता है। तो यहाँ पर विकास हुए या नहीं हुए, सिर्फ इतना बताइए। विकास आज, पहले रोड नहीं थे, अब रोड है। पहले बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुए? नहीं नहीं, पहले शिवसेना की थी, पहले कांग्रेस का था, सभी का कार्यकाल में टाइम के हिसाब से विकास होते हैं। टाइम जैसा जैसा बदलता है वैसा वैसा विकास होता है। आप सोचेंगे कि आज मैं एक विकास करने वाला लड़का था, क्या कर रहा था, मैं छोटा सा था, छोटे से मैं विकास करते हुए गया हूँ। उसी तरीके से सभी पक्ष विकास करता है, पर किसी को भी विकास करने के लिए, आज जैसा बीजेपी वाले बोलेंगे विकास नहीं हुआ, मैंने बोला कि समीर भाऊ ने विकास नहीं किए। अब जब समीर भाऊ खासदार बनेंगे या हमारे बंग साहब खासदार बनेंगे तो उन्होंने आमदार बनेंगे तो वो विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि विकास के लिए तीनों पक्ष के लोग को जाना है। पर इस बार मैं एक ही गारंटी देता हूँ, भाऊ ने बोला था कि 70,000 मत से समीर भाऊ चुन के आएंगे, 70,000 मत से समीर भाऊ गिरेंगे और बंग साहब चुन के आएंगे, ये मैं बोलता हूँ उनको, क्योंकि इस बार एक बार हमने बंग साहब को चांस देना है। ये सभी मैं पूरे वाड़ी वासियों को बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका एक आखिरी चांस है, वो अपने महाविकास आघाड़ी में आए हुए हैं और मैं 100% चुनेंगे, 100% चुनेंगे। भाऊ बोलने से नहीं होता, मैंने समीर भाऊ के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने बोला क्या, भाऊ ने जब बोले हमने बोले क्या, भाऊ ने बोले 70,000 मत से, मैंने बोला क्या। इसीलिए मेरा एक ही बोलना है कि इस बार 100% भाऊ ने बोला, मैं भी बोलता हूँ 102% बंग साहब चुन के आएंगे और 70,000 मत से भी ज़्यादा लीड पर चुन के आएंगे। यही महाविकास आघाड़ी उद्धव साहब का जो सपना है वो पूरा हम लोग करके रहेंगे। अच्छा एक बात, एक आखिरी सवाल, लाडली बहन लाडला भाऊ किस तरीके से देखते हैं आप, किसान युवा? लाडली बहन भैया, ये आज आई है लाडली बहन, कल रहेंगी नहीं रहेंगी, है कि नहीं, कोई भरोसा है? लाडली बहन का है, आज बहन बनाए हैं कल है, राखी थोड़ी ना बांधे, राखी तो टूट गई, रक्षाबंधन को नहीं भेजे ना, दिवाली को भेज दिए, टीका लगाने से राखी ये नहीं होता ना, है कि नहीं।
वो बहन को आके टीका तो नहीं लगाया ना, पैसे भेजने से बहन बोले तो पैसे वाली बहन हो गई। मत किसको करेंगी ये नहीं पता, पर पैसे वाली मत, पैसा लेके कोई बहन नहीं बनती, मन से और तन से बहन बनती है। इसीलिए जितने वाली वाली और ने बहनों ने पैसे लिए भी होंगे वो बंग साहब को ही भाई बनाएंगी। ये और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन, आप कौन सी पार्टी से आते हैं? माझा नाव अमित हुसनापुरे। कौन सी पार्टी से? जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शरद पवार गट। शरद पवार गट। माझं असं म्हणणं आहे की जे समीर मेघेंबद्दल यांचं सगळ्यांनी जे मत मांडलं, समीर मेघे हे व्यावसायिक आमदार आहे, व्यावसायिक आमदार आहे। आपलं साम्राज्य टिकण्यासाठी त्यांची ही सगळी धावपळ आहे। आता ह्या तिसऱ्या टर्मला सुद्धा त्यांनी प्रयत्न करून राहिले, पण ह्यावेळी ते आमदार होऊ शकणार नाही आहे अशी आम्हाला गॅरंटी। रमेश बंगबी एक समय में मंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास यहाँ पर किए गए? त्यांचा कार्यकाल हा वाडी क्षेत्र नव्हतं, हिंगणा मतदारसंघ हा त्यांचा क्षेत्र नव्हतं, तरी त्यांनी इथे पाण्याची योजना आणली, 5 ते 6 टाक्या बनल्या आमदार नसताना सुद्धा। आज आमदार जर याच्या पुढच्या काळात जर ते झाले तर बरेचसे विकास आपल्या इथे वाडीमध्ये होऊ शकतात। आज वाडीची मूलभूत समस्या अशी आहे की गेल्या 10 वर्षापासून नगर परिषद झाली आहे, या 10 वर्षामध्ये ज्या गरजा पाहिजे लोकांना त्या गरजा लोकांच्या पूर्ण होत नाही आहे। उदाहरण मगाशी आपल्या मित्रांनी सांगितलं की आमदार सगळ्या लोकांचं, सामान्य लोकांचं ऐकतात, पार्टीतल्या लोकांचं ऐकतात, बाकी अन्य पार्टीतल्या तर ते व्यावसायिक आमदार आहे। माझं मी व्यापार करत असताना माझ्या दुकानात कोणता माणूस येते मी त्याला विचार करत नाही, तसंच आमदार हा व्यावसायिक आमदार आहे। त्या आमदाराला बाकी जनतेच्या कामाशी किंवा समस्याशी काही घेणं देणं नाही आहे। आज आपण 10 वर्ष झाले आरोग्याची व्यवस्था पाहिली, आज आपल्या इथचे दवाखाने आरोग्याची व्यवस्था पाहिली, कोणती प्रकारची व्यवस्था तयार झाली नाही आहे। जे 30 खाटाचं 2009 सँक्शन झालं तेच आज तसंच त्याच पद्धतीनं, पण तेव्हा 2009 लोकसंख्या आणि आजच्या लोकसंख्येमध्ये फरक किती आहे वाडीची? दुसरी गोष्ट, वाडीला नगर परिषद असताना ज्या योजना यायला पाहिजे होत्या, आज मेट्रोसाठी आमदार फेल्युअर झाले आहे की मेट्रोची योजना आज वाडीमध्ये ते आणू शकले नाही आहे। उड्डाण पूल बनवतानाच त्याच्यावर जर मेट्रोची योजना केली असती तर भवितव्यात जसं आज छत्रपती चौकचा किंवा रेल्वे स्टेशनचा ब्रिज पाडावा लागला, आज कदाचित मला असं वाटते की पुढच्या 10 वर्षांनी कदाचित आपल्याला हा ब्रिज परत पाडून मेट्रोची योजना परत तयार करावी लागेल। दुसरी गोष्ट, इथचे आज सरकारी दवाखाने, आपल्या शाळा पहा, शासकीय शाळेची व्यवस्था एकदम खराब आहे। अंगणवाडीबद्दल आम्ही किती वेळा निवेदन दिले की अंगणवाडींना व्यवस्थित करा, सुधरवा, 10 वर्षामध्ये एकाही अंगणवाडीचं नूतनीकरण झालेलं नाही आहे। योजना कोणत्या आणल्या पाहिजे? आज वाडीला बस स्टँड नाही आहे, अमरावती जिल्ह्याचा माणूस इथून सरळ चालला जातो, पण गोंदिया भंडाराचा जर रात्री 1 ते 1:30 उतरला तर त्या माणसाला घरी येता नाही येत, ही परिस्थिती वाडीत आहे। वाडीचं स्वतःचं बस स्टँड नाही आहे, डम्पिंग यार्ड नाही आहे, हे आमदाराचे कामं होते ना, या 10 वर्षात त्यांनी हे कामं करायला पाहिजे होते, डम्पिंग यार्डची आपली व्यवस्था करायला पाहिजे होती। यांना गल्ली बसून दिल्लीपर्यंत त्यांची सरकार आहे, आता काय अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवायचं आहे भाजपचा? मग ह्या योजना आणणार कोण वाडीमध्ये? डम्पिंग यार्ड नाही, बस स्टँड नाही आहे, शाळेची दुर्व्यवस्था आहे, मेट्रोची व्यवस्था नाही आहे, मग समस्या। MIDC बेरोजगार आहे, MIDC आज पूर्ण शोरूम घुसून टाक। किस तरीके के नतीजे आएंगे? किस तरीके नतीजे आएंगे बोले तो नतीजे तेच येणार आहे जे साहेबान आज बंग साहेबांबद्दल लोकमतांमध्ये हे आहे। साहेबांनी आमदार नसताना सुद्धा बऱ्याचशा ठिकाणी फंड आणून आज वार्ड क्रमांक 4 त्यांचे नगरसेवक बसले विद्यमान, तिथे 3 लाखाचा समाज हॉल आणला आमदार नसताना सुद्धा। अशा योजना साहेब मंत्री आपल्या कोणतंही पद नसताना साहेब करून राहिले, पुढे आमदार जर लोकांनी त्यांना निवडून दिलं तर ऑटोमॅटिक काम करणारच आहे। आपका विधायक कोण? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आम जनमानस के भीतर आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर चल के आ रहा है ये जानने का लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमने वाड़ी के जो अलग अलग पार्टी के राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे बात की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर
उनके जो यहाँ के जो उनकी पार्टी से जो विधायक है उनके कार्यकाल में क्या विकास किया गया है, कितना विकास पूरा है, साथ ही कितना विकास यहाँ पर अधूरा है, एक बार और फिर मैं हमारी जो सहयोगी है आंचल लोखंडे उनसे बात करूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या विकास कार्य विधायक समीर मेघे द्वारा किए गए हैं, साथ ही यहाँ पर क्या क्या विकास अधूरे हैं, आंचल क्या बताऊँगे? जी सर, बताऊंगी कि यहाँ पर हिंगना विधानसभा क्षेत्र को पहले तौर पर हम देखते हैं तो यहाँ पर MIDC जो है तो पहला ये आएगा, बुनियादी सुविधा तो रही है लेकिन यहाँ पर पहला मुद्दा आएगा कि यहाँ पर MIDC होकर भी रोजगार के जो अवसर है वो यहाँ के युवाओं को अभी तक जिस तरीके से चाहिए थे उस तरह से मुहैया नहीं हुए हैं। साथ ही शिक्षा के भी है और साथ ही बाकी भी कुछ है, और बुनियादी सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बुनियादी सुविधाएँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी जो उड़ान पुल बना है और रास्ते जो बन रहा है उसके अलावा यहाँ पर गडर लाइन, जो भूमिगत गडर लाइन का जो भूमि पूजन अभी अभी हुआ है वो भी कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को देखकर हुआ है, लेकिन अगर बुनियादी सुविधाओं को देखें तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए। एक आखिरी सवाल, किस तरीके के नतीजे आएंगे सामने, आपको क्या लगता है, खासतौर पर वाड़ी से समीर मेघे के पक्ष में यहाँ पर मतदान ज़्यादा जाएगा या रमेश बंग के? जी कहा जा सकता है, सभी पक्ष दावे प्रतिदावे कर रहे हैं लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है तो राष्ट्रवादी के रमेश बंग और समीर मेघे भाजपा के जो है उनके बीच में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी भी सामने है, बसपा भी यहाँ पर आगे है, लेकिन कड़ा मुकाबला अगर देखें कहीं ना कहीं, जैसे जिस तरीके से आपने कहा कि BSP है साथ ही वंचित भी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यहाँ से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो माइनस होंगी? जी बिल्कुल, मेरे को ये लग रहा है कि बसपा और जो वंचित के वोट है वो इन दोनों के बीच में जो है वोटों का डायवर्शन कर सकती है, ये भूमिका वो निभा सकते हैं, और उससे अब ये देखना होगा कि किस पार्टी को उसका फायदा होता है या फिर किसको नुकसान होता है। 20 नवंबर को मतदान है, ऐसे में 23 नवंबर को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप कौन सी पार्टी से आते हैं? सर आप बताइए। मैं डॉक्टर विप्लव मजुमदार, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैं तो बोल रहे ये डेबिट जो प्रोग्राम ले रहे हैं इससे ग्राहकों को जागरूकता बनेगा, जो माइनस पॉइंट है किसी के माइनस किसी के प्लस, लोग समझदार हो जाएंगे और इसको देखते हुए लोग अपना जो मत है वो ऐसे इंसान को देंगे जो काम करेगा, काम होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो फिर वाड़ी का डेवलपमेंट होगा। विकास हुआ है मेरे नज़र में तो, पहले जो वाड़ी था उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। अच्छा, आप मतदान करते हो क्या देखकर मतदान? हम तो विकास देख के ही मतदान करेंगे, क्योंकि हमको रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, जो हम लोगों को चाहिए। बस इसमें ही कि हॉस्पिटल का एक चल रहा था मुद्दा, अगर वो भी बन गया तो आज वाड़ी में फुलफिल सब हो जाएगा। फिर आपका क्या नाम है? आप तो BSP से आते हो, आ जाइए सामने, इधर आ जाइए। एक बात बताइए, बात अधूरी रह गई थी, स्लम इलाकों पर बात शुरू थी, कंटिन्यू की। नहीं, मैं ये बात बताना चाहता था कि सोशल मुद्दों पे हमारी लड़ाई रहती है, तो पिछले टाइम में कांग्रेस ने जो नारा दिया था संविधान बचाओ का, इसलिए समाज में बिखराव आया था वोटिंग का। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ कि आरक्षण का वर्गीकरण और क्रिमिलियर का जो मुद्दा आया तो उसमें तो जो क्लास के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, जो लायक लोग थे, उनको जो नौकरी पे लगने वाली थी तो उनको छटाने का ये मुद्दा है। तो अभी जाते जाते जब महाराष्ट्र की आचार संहिता लगी थी उस टाइम में भाजपा और लोगों ने जो अभी जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमिलियर लाया तो उसके बारे में एक आयोग बिठाया, तो इसको आयोग को इन्होंने कांग्रेस वालों ने सेना वालों ने भी समर्थन दे दिया। लेकिन इसका मतलब है कि ये दोनों चट्टे बट्टे एक ही है, सबसे पहली बात। और दूसरा मुद्दा जो सबसे पहला है, यहाँ को आमदार कौन आएगा, तो देखो BSP ने इस टाइम में डॉक्टर कैकाड़े को जो तेली समाज का है और उससे होटिंग 1,20,000 है यहाँ पे, और अनुसूचित जाति की SC की होटिंग है 86,000। तो ये दो नगर मिल गए तो अभी तो हमारा इस महाराष्ट्र में हिंगना विधानसभा से BSP का खाता खुलेगा। आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमने आज दत्तवाड़ी जो इलाका है जो हिंगना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस इलाके के लोगों का, खासतौर पर जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। साथ ही यदि हम हिंगना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हिंगना विधानसभा क्षेत्र के जो नागरिक है जिनके भीतर आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर चल क्या रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ, आपका नाम बताइए। मैं प्राध्यापक सुभाष खाकसे, वाड़ी पत्रकार संघ का मैं संस्थापक प्रमुख हूँ।
आज यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के हिंगना विधानसभा क्षेत्र में क्या चित्र होगा इस संदर्भ में करीब करीब सभी राजनीतिक पक्षों ने अपना यह मत रखा, लेकिन मैं एक नागरिक के नाते मैं जनता से मतदारों से आह्वान करना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार दिया है मत का। यह वोट जो है, यह जो विकास हम जिसको कहते हैं, यह विकास तो कोई भी विधायक सरकार आएगी तो यह करना उसकी मूलभूत जिम्मेदारी होती है, लेकिन मनुष्य के या जनता के नागरिक के जीवन का परिवर्तन, जीवन का जो अन्न वस्त्र निवारा और आरोग्य स्वास्थ्य कृषि, इससे जो समस्याएं निर्माण होती है जिससे आदमी का मनुष्य का जीवन समस्याग्रस्त होता है, तो यह चुनाव के माध्यम से परिवर्तन का एक मौका होता है। तो वोटिंग करते समय लोकप्रिय नारे, लोकप्रिय योजनाएं, विकास, इन बातों के साथ में ही हमारे ओर से हमारे आने वाला जीवन भविष्य किस तरह से सुखमय और कम चिंताग्रस्त हो सकता है, इस ओर मतदारों ने ध्यान देकर आने वाले चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश भारत देश को कहा जाता है, जहाँ स्वेच्छा से अपने जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार है। ऐसे में महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है, तो मतदान अवश्य करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगिटवार के साथ आंचल लोखंडे, पारस बैसवारे, वाड़ी, नागपुर।